हेलो फ्रेंड्स, स्पंदन हियर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट लाया हूँ और इस विषय में ही चर्चा करेंगे आज। तो ये एक प्रकार का फ्लूट है, मैं कुछ देर के अंदर ही आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले बोल लेता हूँ फ्लूट के बारे में। ये एक्चुअली एक साउथ अमेरिकन फ्लूट है और अभी मैं रिवील करने वाला हूँ फ्लूट। तो देखिए, यही है वो फ्लूट। और इसका ओरिजिन्स साउथ अमेरिका का पेरू में माना जाता है। इसमें ज़्यादातर एथनिक म्यूज़िक प्ले होता है। आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे प्लेयर्स जैसे लियो रोजास, फिर रेमी सलाजर, ये सब प्ले करते हैं, जैसे एल कॉन्डोर पासा, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स वगैरह वगैरह। तो इसमें हम थोड़ा साउंड सैम्पल सुन लेते हैं पहले। ये एक्चुअली जी स्केल का है, स्केल्स के बारे में मैं आ रहा हूँ बाद में वीडियो में। चलिए, तो आप लोगों ने सुना, बहुत ही मीठा साउंड है। और आज वीडियो में हम लोग इसको इंडियन फ्लूट के साथ भी कंपेयर करेंगे और इसका बहुत सारा वेरिएंट्स भी आता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले स्केल्स। तो जनरली ये कौन से स्केल में बनते हैं या जो ट्रेडिशन है इनको बनाने का, तो ये जी स्केल का है। जी स्केल बहुत कॉमन है, इसके साइज़ के लिए बहुत छोटा है, हैंडी है, कोई मतलब उंगली में टेंशन या प्रेशर नहीं होता है प्ले करने के टाइम। और ये बनता है डी और सी स्केल में, जो ट्रेडिशनली बनाता है वो लोग पेरू में। मैं आपको दिखाता हूँ एक डी स्केल का। ये है एक डी स्केल का, तो आप दोनों में आप साइज डिफरेंस बोल ही सकते हो देख के कितना है। ओके, और जो सी स्केल का जो वो लोग बनाते हैं, ये है सी और डी के बीच में डिफरेंस हाइट का, ये देखिए। ओके, एंड ये तीनों को कंपेयर करके, तो जैसे आपने देखा कि हाइट का डिफरेंस है बहुत। तो ये जो छोटा वाला होता है, छोटा वाला को हम लोग कोयना बोलते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं कोयना चक। और ये साइज से एक छोटा मिलता है, वो हम लोग नहीं बनाते हैं, उसको कोइनिला बोलते हैं। वो जनरली ए स्केल का होता है या बी स्केल का मिलता है। और इससे भी बड़ा एक मिलता है जो बहुत लंबा होता है, 29 इंचेस का, उसको हम लोग बोलते हैं मामा कोयना। अब मामा हो या भतीजा हो कुछ मैटर तो नहीं करता, बट फिलहाल यही हमको लगता है कि मतलब बहुत बड़ा होता है, दिस इज़ मोर देन इनफ। तो अभी ये तो मैंने बोला जो स्केल्स ट्रेडिशनली बनते हैं, बट कुछ स्केल्स है जो हम लोग बनाते हैं कस्टमर के डिमांड के ऊपर। जैसे हम लोगों ने खुद से इन्वेंट किया ये ई स्केल का कोयना, ये एकदम ग्लॉस ब्लैक फिनिश का है, वुडन टेक्सचर भी है, आई थिंक कैमरा में विजिबल नहीं है, थ्रेडिंग किया हुआ है। ठीक है, ये और एक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल। हम लोग दूसरे स्केल्स के भी बनाते हैं, ये पर्टिकुलरली एफ शार्प स्केल के, बहुत ही प्यारा से दिखता है और छोटा सा भी है, देख सकते हैं आप इसको, बहुत सुंदर दिखता है। इसके ऊपर पेंटिंग भी किया हुआ है, ट्राइबल आर्ट। और एक है जो सी शार्प स्केल का है, इसमें भी पेंटिंग किया गया हुआ है। ओ, और सी वाले में भी था, तो आप देख सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा ये सब, बोलोगे कितना दिखाओगे यार, अब कुछ बजा के भी सुना। तो अभी मैं बजाने वाला हूँ, पहले ई से स्टार्ट करते हैं। ई का साउंड मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए
चलिए सुनते हैं। तो ये सुना आपने ई स्केल का। अब थोड़ा और नीचे जाते हैं, हम लोग सी स्केल का सुनते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही लंबा है, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा जो एकदम प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं वो लोगों को, क्योंकि इसमें उंगली को स्ट्रेच कराना पड़ता है थोड़ा। बट इंटरमीडिएट प्लेयर्स इसके लिए भी जा सकते हैं डी, ये कंफर्टेबल है, ऑलमोस्ट सेम है ई के जैसे, खाली थोड़ा नीचे बजता है बस। इसका भी थोड़ा साउंड सैम्पल सुन लीजिए। तो आपने सुना डी स्केल का कोयना। तो इसमें स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है, स्केल यानी इसमें सा या टॉनिक नोट वो क्या है, किधर लेते, कौन सा फिंगरिंग लेते। तो दो प्रकार है, एक है हम लोग नॉर्मल इंडियन फ्लूट स्टाइल में प्ले करें, जो है इधर से हम लोग सामान के चलते सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, जो है नॉर्मल। बट ये मतलब जो ट्रेडिशनल वे है वो नहीं है। इसका ट्रेडिशनल वे क्या है वो मैं बताता हूँ। ट्रेडिशनल वे है कि सारा बंद करके इसको सा मानते हैं, और इस रेस्पेक्ट में ही इंस्ट्रूमेंट का स्केल बोला जाता है। जैसे ये जी स्केल का कोयना है, मतलब सब बंद करके इसमें जी बजेगा। जैसे ये सी स्केल का कोयना है, इसमें सब बंद करके ये सी बजेगा। जैसे ये ई का है, तो इसमें सब बंद करके ई बजेगा। तो इसमें फिंगरिंग क्या है, इसमें सा रे गा मा देन पा धा नी सा, आप पीछे खुल के सा बजा सकते हो या आपका मर्जी, या पा धा नी सा, सब बंद करके भी सा बजा सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो सा, ये भी चलता है। बट इंडियन वाले स्टाइल में इधर सा नहीं बजेगा, इधर बजेगा पा, सा रे गा मा पा, ये पा बजेगा उंगली उठाने से। तो ये अब आपके ऊपर है, आप कौन सा स्टाइल फॉलो करोगे। तो जो मैं बोल रहा था वो अभी मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, जो नॉर्मल स्टाइल है सारेगामा पाधानिसा प्ले करने का, मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग सारेगामा ऑन कोयना। ये था ट्रेडिशनल वे। अब इंडियन मेथड देखते हैं। तो ये था मेथड। और एक चीज़ दिखा लेता हूँ कि हम लोग बैम्बू के भी बनाते हैं। ये बैम्बू का है जी स्केल का कोयना, बहुत ही प्यारा दिखता है और बहुत लाइट वेट होता है। ये देखिए, और एक दोनों ही जी स्केल का है, और एक दिखा रहा हूँ आपको, डुअल टोन कलर में आता है, मैट फिनिश का है ये वाला, थ्रेडिंग भी किया हुआ है। आपको थोड़ा साउंड सुनाता हूँ इसका।
तो ये आपने सुना, बहुत ही मिठास है साउंड में। अब आप सोच रहे होगे पिछला वाला वुड का है ना, बट मैं आपको सच बोलूँगा, ये एक्चुअली है UPVC। UPVC का फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो इसका और इसमें बैम्बू वाला में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है दोनों का थिकनेस, आप देख सकते हैं बहुत ही रिजिड और स्टडी है PVC वाला, और इसके ऊपर हम लोग लाइफ टाइम वारंटी भी देते हैं, क्योंकि अगर आप इसको मतलब काटोगे फेंकोगे कुछ नहीं होगा, बट आप इसको अगर जलाओगे तब ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट वो आप क्यों करोगे एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, राइट? तो ये है एक बात। दूसरा चीज़ है कि इसका जो टोन आता है ये थोड़ा मेलो टोन आता है, मेलो यानी थोड़ा सॉफ्ट टाइप का आता है कंपेयर टू दिस। मैं सेम पीस बजा के दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा। ये सुना, अब आप बैम्बू वाला में सुनिए। तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इससे। और ये जो है इसके ऊपर हम लोगों ने पेंट करके फिनिश किया हुआ है, वुडन फिनिश, जैसा आप देख सकते हैं इधर, आपको वुड ग्रेन बहुत बढ़िया दिखेगा और दिखने में भी बहुत सुंदर है। ऐसा है नहीं है कि PVC है यानी बहुत प्लेन लगेगा। ये है UPVC का, और बीच में मैंने जो आपको दिखाया था F-Sharp का, ये है CPVC। ये थोड़ा लाइटर होता है UPVC से, बट दोनों ही ड्यूरेबल होता है, ओके? और तो PVC और बैम्बू में दोनों में मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो है मेंटेनेंस। PVC वाले में कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, मतलब मेंटेनेंस यानी जैसे रेनी सीजन आया तब फंगस होने का चांसेस रहता है बैम्बू वाले में, बट PVC में ऐसा कोई झमेला है नहीं। फिर बैम्बू का जो टोन है वो थोड़ा चेंज होता है सीजन्स के साथ, बट PVC में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का कोई मामला नहीं है। यही है मेन डिफरेंस। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि आपने ये फ्लूट सुना और आप पूछोगे कि भाई इंडियन फ्लूट के साथ इसका डिफरेंस क्या है, वो भी तो ऐसे ही सुनने में होता है, बट थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इंडियन फ्लूट फर्स्ट ऑफ ऑल साइड ब्लोन है, हम लोग ऐसे ब्लो करते हैं, ठीक है? फिर सेकंड थिंग जो है, आई थिंक आपने नोटिस भी किया होगा अभी तक, इंडियन फ्लूट में पीछे होल नहीं होता है। अब जो कस्टम मेक करते हैं वो लोग का तो बात अलग है, बट जनरली पीछे होल नहीं होता है, सामने ही होल होता है, 6 होल होते हैं इसमें, बट इसमें सामने 6 होल रहते हैं, पीछे 1 होल रहता है। ये होल कभी हम लोग अगर ओपन करें 3rd ऑक्टेव रीच कर सकते हैं ईजिली। ये था सेकेंड डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस है इसका ब्लोइंग पैटर्न। ब्लोइंग पैटर्न में बहुत डिफरेंस नहीं है, बट कुछ अंतर तक मतलब बहुत सा सेम ही है। मैं दिखाता हूँ कैसे ब्लो करते हैं इसको। तो आपको ये जो गोल एपर्चर दिख रहा है इधर, आपका लोअर लिप समझे, ये दोनों उंगली, ये पूरा कवर कर जाएगा लोअर लिप, एंड खाली दिस पोर्शन विल रिमेन ओपन, खाली ये वाला जगह खुला रहेगा। ये जो छोटा आपको यू दिख रहा है, यहाँ से खाली हवा निकलेगा और अंदर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जो लोअर लिप है इसको एकदम ऐसे प्लेस कर देंगे इधर, देन कोई भी होल मैं नहीं प्रेस करूँगा, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लो करूँगा, और ये जो है आपका अपर लिप इसके साथ अलाइन करेगा। तो ऐसे आप इसमें साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फ्लूट में ऐसा नहीं है। फ्लूट में आपको प्ले करने के लिए पहले लोअर लिप में रखना पड़ेगा ये, ये हल्का सा जस्ट यू नो टच करता है राउंड अपर्चर को ब्लो करने का, देन इधर हम लोग जस्ट ब्लो करते हैं डाउनवर्ड्स। तो इसमें डाउनवर्ड्स ब्लो होता है, बट इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लो होता है। ये है एक डिफरेंस। अब दोनों का साउंड में आप डिफरेंस सुनिए। मैं एक पीस बजाऊंगा, जैसे ये सी स्केल का है, तो इसमें मैं बजाता हूँ गोड़ी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। आपने सुना फ्लूट में। अभी मैं सेम चीज क्वेना में बजाऊंगा, देखिए। तो
तो जैसे आप सुन सकते हैं दोनों का साउंड में एक डिफरेंस है कि कोयना में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहता है फ्लूट फ्लूट से। एग्रेशन यानी इसमें शार्प साउंड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं फ्लूट के कंपैरिजन में, और दोनों का प्लेइंग स्टाइल भी डिफरेंट है। कैसे मैं समझाता हूँ। फ्लूट में हम लोग मतलब जब ब्लो करते हैं तब नॉर्मल ब्लो करते हैं, कभी टंगिंग यूज़ करते हैं टा या टू वैसा करके बोल के कभी करते हैं कभी कभार, ताकि वो जो गाना हो या जो राग में बंदिश बजा रहे हैं उसका जो वर्ड्स है उसमें प्रोमिनेंसी आए। बट इसमें जब हम लोग प्ले करते हैं ऑलवेज हम लोग टू या टा बोल के प्ले करते हैं। देखिए पहले बोलूँगा टू टा, लाइक दैट हम लोग टू या टा बोल के करते हैं। तो ये इसका ओरिजिनलिटी देता है इंस्ट्रूमेंट का। और जो वाइब्रेटो यूज़ होता है दोनों में वो डिफरेंट है। फ्लूट में हम लोग दो प्रकार के वाइब्रेटो यूज़ कर सकते हैं, एक है माउथ से वाइब्रेटो देना जो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, और एक है गला से देना, ये गला से दिया मैंने। बट इसमें हम लोग जो मुंह से देते हैं उसमें सुर बहुत ऑसिलेट करता है कंपेयरिंग टू फ्लूट। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं इधर सा रे गा बजाऊंगा, ये आपने सुना इधर, अब कोई ना मैं सेम चीज बजाऊंगा तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि कितना सुर ऊपर नीचे जा रहा है। और सेकंड चीज है, इसमें जब कोई गाना बजाते हैं या वो लोग का नेटिव पीस जब बजाते हैं तब हम लोग थ्रोट वाइब्रेटो देते हैं, बहुत हाई मतलब फ्रीक्वेंसी वाला थ्रोट वाइब्रेटो, बहुत हम लोगों को वाइब्रेट कराना पड़ता है थ्रोट को। मैं एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक आपको एग्जाम्पल पता चला होगा। तो ये था फ्लूट और कोयना के बीच में डिफरेंस। अब हम लोग मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, बोलेंगे भाई इतना तो बजा ही लिया, अब कितना खर्चा लगेगा वो तो बोल दो थोड़ा। तो हम लोग कोयना का प्राइस जान लेते हैं। ये जी स्केल का जो बैम्बू वाला आता है, कोई भी कलर का चाहे ये हो या वो हो पैटर्न जो है उसका, तो इसका प्राइस है 599 इंक्लूडिंग बैग एंड डिलीवरी, डेटेड ऑन 9 तारीख 9/6/2024। मतलब ये बाद में इंक्रीज भी हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल ये 599 का मिलता है इंक्लूडिंग बैग एंड डिलीवरी। और आप पूछोगे भाई कहाँ से सीखूँ मैं बजाना, आप मुझे एकदम फ्रीली मैसेज कर सकते हो कैसे बजाना है, मैं एकदम आपको विदाउट एनी कॉस्ट वीडियो कॉल पर दिखा दूँगा, जब टाइम हम लोग सेटिंग कर लेंगे वो कब दिखाना है। और अब दूसरा वाले में आ जाते हैं, अब इस स्केल पे आ जाते हैं। इस स्केल का प्राइस है 999 इंक्लूडिंग बैग एंड डिलीवरी। और डी स्केल का प्राइस है 1299 इंक्लूडिंग बैग एंड डिलीवरी। ये जो सी स्केल है, सी स्केल का प्राइस है 1499 इंक्लूडिंग बैग एंड डिलीवरी। ये जो एफ शार्प वाला फ्लूट है इसका प्राइस है 899। तो ये जो यू पी वी सी का जो जी स्केल का है, पिछला वाला तो बैम्बू का बोला था, ये यू पी वी सी का है, इसका प्राइस है 699 इंक्लूडिंग बैग एंड डिलीवरी। तो अब आपका मन में ये सवाल रह सकता है कि भाई बैम्बू का प्राइस कम क्यों है पी वी सी से, पी वी सी तो सस्ता होना चाहिए, बट नहीं, ये जो हम लोग पी वी सी यूज़ करते हैं बहुत हाई क्वालिटी है, यू पी वी सी है, अनप्लास्टिसाइज्ड। वर्ड पे मैं फोकस करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है ब्लो करना, और बहुत स्टडी है, ड्रॉप टेस्ट भी मैंने किया है, मैंने 5 बार फेंक के देख लिया, कुछ नहीं हुआ है। आपके पास पहुँचने के बाद आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था कोयना के बारे में, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या मेरा नंबर दिया रहेगा इधर, तो आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और बस यही था आज का वीडियो, और लास्ट में मैं छोटा सा राग भूपाली का आलाप बजा के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। राग भूपाली के बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ पहले। इसका जाने का स्वर है सारे गापा धासा, आने का स्वर है साधा पागा रेसा, बहुत सिंपल राग है। चलिए शुरू करते हैं, मैं यही वाले में बजाता हूँ।
ये आपने सुना राग भोपाली का आलाप, और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते, मैं फिर से नंबर बता दूंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बस यही बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।